भले पॉलिटिकल, भले फैमिली का, भले फ्रेंड्स का, लेकिन है सब एक ही परिवार। मैं पहले आपको उनकी शख्सियत, जो कि इतनी बड़ी है, इतनी वास्ट है कि उसके बारे में बोलने लगूंगी तो शायद एक हफ्ता भी कम पड़ जाएगा, लेकिन मैंने इसके लिए ये वीडियो रखी थी कि आप सबको पता चले कि उन्होंने क्या क्या काम किए और कैसे किए। लेकिन अभी मुझे पता चला कि ये लोग ये वीडियो लाइव करना चाहते हैं, तो ये कहते हैं कि जिनको भी आपने एड्रेस करना है या जिनका भी आपने आभार व्यक्त करना है, उनको आप पहले कर लीजिए। क्योंकि एक इंसान ऐसा होता है जो शरीर तो छोड़ देता है लेकिन अपने काम पीछे छोड़ के जाता है। अरुण जी, उन्होंने तो पूरे हिंदुस्तान के लिए बहुत कुछ किया, लेकिन जम्मू को जो वो चीजें देके गए हैं, IIM, IIT और एम्स, ये उन्हीं की कारोबार में जब भी वो फाइनेंस मिनिस्टर थे उन्होंने सैंक्शन किए। मुझे लगता है जम्मू के वासी होने से मैं ये फंक्शन हर बार बॉम्बे में करती थी या दिल्ली में करती थी, लेकिन इस बार मुझे मौका मिला क्योंकि मैं जम्मू में थी, तो मुझे लगा अपने सब लोगों के साथ जम्मू में भी करें। बॉम्बे में होते हैं तो भी उनके हमारे साथ में मंगल प्रभात लोढ़ा जी ने उनका स्टैच्यू लगवाया हुआ है, या दिल्ली में होते हैं और निर्मला जी ने उनके बारे में बहुत अच्छा बोला। जो भी, अभी मैं उनकी शख्सियत के बारे में कुछ नहीं बोल सकती हूं क्योंकि अगर बोलने बैठी तो इधर 5-7 घंटे कहीं नहीं जाएंगे, वो भी अगर संक्षिप्त में बोलूंगी तो। इसके साथ ही मैं इनको समय देती हूँ कि आपने अपना अपनी अपने दल की अपनी पार्टी को मैं अंतरराष्ट्रीय सत्ता इन्हें जी सर कोई एक करवा लेंगे। एक मिनट यार, एक मिनट थोड़ा पीछे आ जाओ, कम कर अगर हाथ कट मार अगर कम कर अगर थैंक यू। भारत वर्ष को हमको एक परिवार के हिसाब से जो घाटा हुआ है वो तो एक चीज है, पर भारत वर्ष को उनका घाटा हुआ है। आज उनके किए हुए काम, ड्राफ्टिंग ऑफ अबॉलिशन ऑफ 370 वो उन्होंने करी, जो कि एक डिफेंस मिनिस्टर के हिसाब से उन्होंने जो काम किए हैं, शायद आपको कोई डिफेंस पर्सनल ही बता सकते हैं। क्योंकि जब वो पहले दिन अपना उन्होंने कारोबार संभाला डिफेंस मिनिस्ट्री का, मैं छोटे छोटे इंसिडेंट्स बताती हूँ आपको। तो उनके पास तीनों फोर्सेस के हेड्स आए और हमारी आर्मी के हेड ने बोला कि सर हमको कुछ चीजें चाहिए जो कि हमें सियाचिन, कारगिल, ये सारे बर्फीले एरियाज में हमने बड़ी देर से फाइल डाली हुई है लेकिन हमें सैंक्शन नहीं हुआ। तो उन्होंने बोला वो क्या है, उन्होंने बोला हमारे बड़े लोग मर जाते हैं ये नहीं होने से, और वो थे स्नो मोबाइल्स से। आप बिलीव नहीं करेंगे, जैसे ही वो उनके रूम से बाहर गए
और वो अपने ऑफिस पहुंचे, उनके वो सेंक्शन हो चुके थे और जल्द से जल्द उनको वो उपलब्ध कराए गए। इस तरह से वो इस तरीके से सबकी भावनाओं को समझते थे, वो समझते थे कि उनके लिए किस के लिए क्या जरूरी है। उन्होंने कभी किसी को नाजायज फायदा नहीं उठाने दिया। शायद इसी के कारण लोग उनकी बड़ी मुखालफत भी करते थे, लेकिन उनके अपने सिद्धांत। आज भी उनकी जब वो राजनीति में आए तो उन्होंने अपने परिवार को पहले पूछा, अपने बेटे को, अपनी बेटी को और अपनी वाइफ को, कि जब मैं राजनीति में घुसूंगा तो मेरे पास कोई दूसरा जरिया इनकम का नहीं होगा, मैंने किसी से पैसा नहीं बनाना है, क्या आप इतने में गुजारा कर पाएंगे। जो भी उनका समर्थन, उन्होंने बहुत सारा पहले कमा के रखा हुआ था और उसके उनकी इन्वेस्टमेंट्स काफी थी, पर इतने में क्या आपका मुझे समर्थन मिल सकता है, उन सबने हाँ बोला। ये तो हुई उनकी बात। ऐसा जिनके ऐसे सिद्धांत हो उनके अपने परिवार में, अपनी पार्टी में बाहर के लोगों से बहुत मुश्किल हो जाती है। विदेश में भी जो उन्होंने अपना नाम बनाया, जिस तरीके से उन्होंने अपना इज्जत मान बनाया, जिस तरीके से प्रधानमंत्री ने उनको इज्जत दी, उनकी दोस्ती सराहनीय है। और मैं कहती हूं कि उन्होंने किसी में भेदभाव नहीं किया। वो एक ऐसे नेता थे जिनकी अपनी पार्टी में तो ठीक है, लेकिन दूसरी पार्टियों के नेता भी आते थे, जो युवा नेता थे उनसे आके पूछते थे कि अंकल हमें बताइए, तो वो कहते थे कि भारत का भविष्य है, पार्टी भले कोई भी, इनको गाइड करना मेरा काम है। कुछ कुछ लोग तो ऐसे भी थे जो मुझे जो उनसे ये पूछते थे कि बताइए हम आपको कैसे क्वेश्चन करें तो हमारा थोड़ा मान बढ़े, वो भी बताते थे। क्योंकि कभी भी वो सेल्फिश, उन्होंने अपने आप को किसी भी चीज के आगे नहीं रखा। बाकी रही उनकी जो भी शख्सियत है, मैं आपको इसीलिए ये फिल्म बनाई है कि आप, मैं अगर बोलना चाहूंगी बोलती रहूंगी तो शायद दिन, हफ्ते, महीने, साल भी निकल जाएंगे, उनकी कहानियां खत्म नहीं होंगी। Right.